करते हैं। कल वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था, उसको एक बार रिवीजन कराना था। बात आती है क्यूब। क्यूब की जो शेप होती है, ये क्यूब है क्योंकि ये स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में होता है? स्क्वायर होता है। तो बात आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? टी एस ए बोलते हैं उसे, सिक्स साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है वो होता है फोर साइड स्क्वायर। आपको ये याद रखना, यदि आपका कोई कमरा है वो स्क्वायर शेप में है, इस तरीके से क्यूब शेप में है, तो भाई कमरे में या गेट, कमरे में जाओगे तो नीचे तो टाइल बिछाओगे आप। लेकिन यदि बात करें पेंट करो, तो पेंट आप एक दो तीन पीछे चार और एक ऊपर पाँच, पाँच जगहों पर क्या करेंगे आप? पेंट करेंगे। तो यदि पेंट करेंगे तो पाँच दीवारों पर करेंगे। क्लियर हुआ? तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? फोर साइड स्क्वायर प्लस आप करेंगे साइड स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा फाइव साइड स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्यूब। क्यूब के बाद जो बारी आती है वो आती है क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है एल इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स आर लेटरल सरफेस एरिया, टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब बात आती है यदि छत भी हमें प्लस करनी है, यानी रूफ प्लस करना है, तो आता है एल एल बी। क्या आता है? एल बी, जो रेक्टेंगल शेप में होता है। ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल बी। तो टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एल बी। तो ये जो शेप बनी किसकी बनी बेटा जी? ये हो गया क्यूबॉइड। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ा दिए, एक होता है क्यूब, एक क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूब क्यूबॉइड के बाद एक और चीज़ अभी मैं पढ़ाता हूँ, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकलता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है सरफेस एरिया, वो होता है टू पाई आर एच। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्या होता है? टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसमें कोई दिक्कत? बात आती है सरफेस एरिया क्या है। तो आप सरफेस एरिया को इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कोई कागज़ है, ये एक कागज़ है, ठीक है। यदि इसे कट करके निकाल दिया जाए तो इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो मैंने कट कर दिया। अब जो ये शेप बनी, इस शेप को यदि मैं गोल घुमा दूँ, देखिए बन गई गोल, तो यानी ये कौन सी शेप है? ये सिलेंडर है। और जो ये कर्व बना, इसको बोलते हैं